पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया था ये कहते हुए कि सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की जा सकती। हमारे साथ मौजूद हैं सर, सीए एनआरसी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन हो रहा जिस जंतर मंतर पे। यहाँ बहुत सारे छात्रों ने ये शिकायत की कि ये लोग रामलीला मैदान पहुँच रहे थे और सीए के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने, कॉलेजों से पुलिस ने डिटेन कर लिया, रामलीला से डिटेन कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है इस कानून के खिलाफ, उसे इतने बड़े पैमाने पर दबाया जा रहा है कि डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है कि वो एनआरसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके? देखिए, ये कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ऐसे लगने लग गया है कि सरकार के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करना है तो पहले सरकार से परमिशन लेना होगा, और वही है हमारी जो फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का, वो सरकार की परमिशन के कंडीशनल बना दिया। ये आज की बात नहीं है, और धीरे धीरे इस आंदोलन के तौर पर उसी चीज़ को सवाल उठा रहे थे कि जो सरकार के कंट्रोल है हर इंसान के ऊपर कि बाहर निकल के तुम प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते, उसी पे सवाल उठ रहा था। आज उसी चीज़ का आपको मिला, रामलीला मैदान में रहन तो कोई इशू नहीं था, वो तो कर सकते थे, वो नहीं होने दिया। कोई मैदान है, किसी का सड़क तो नहीं उतार रहे थे, वो तो दिक्कत नहीं था, पर वो भी नहीं होने दिया क्योंकि पुलिस को लगता है कि वो कर सकता है और हमसे कोई पूछेगा नहीं, कोई सवाल नहीं पूछेगा। अब जुडिशरी में भी जाएगा तो उसमें कोई आएगा नहीं, और ये चीज़ को इसके कारण जो एक फीलिंग मिलता है कि हम जो करना है कर सकता है। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, कुछ मीडिया सवाल पूछेंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो प्रिवेंट करने के लिए, कोई भी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो एक्सप्रेशन को ही जो है रोक देता है, तो इससे डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है ये वो समझ में नहीं आ रहा है। कल दिल्ली पुलिस के खिलाफ जब एडवोकेट्स के ऊपर हुआ था, दिल्ली पुलिस के लोगों ने क्या किया था? परमिशन लिया था दिल्ली पुलिस से कि वो पीएचक्यू के सामने वो प्रोटेस्ट करेंगे? परमिशन लेके प्रोटेस्ट किए थे क्या? खुद पूछना चाहिए, क्योंकि उनको लगा कि उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, वो सब निकले और पीएचक्यू के बाहर बैठ गए। मुझे यह भी पिक्चर याद है, पुलिस की ही बैरिकेड पुलिस वालों ही तोड़ के अंदर घुसते हुए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका राइट था वो प्रोटेस्ट करना, उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं चाहे कोई भी हो, पर बाकियों के भी ऊपर होता है प्रोटेस्ट करने का, तब ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सब हर एक नागरिक का है राइट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और कन्नन गोपीनाथन का साफ तौर पर कहना है कि विरोध करना जो है वो हर एक व्यक्ति का अधिकार है और उसके अधिकार का हनन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। और बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया कि जब दिल्ली पुलिस को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया पीएचक्यू के बाहर। तो सवाल ये है, क्या उन्होंने परमिशन लिया था किसी से प्रोटेस्ट करने के लिए? नहीं, हर व्यक्ति का राइट है कि अगर उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो प्रोटेस्ट कर सकता है। और प्रोटेस्ट करने वालों को इस तरह से प्रोटेस्ट करने से पहले डिटेन नहीं करना चाहिए। कैमरामैन विवेक भट्टाचार्य के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।